आगे बढ़े। एक और अहम खबर है, पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है। शौकत यूसुफजई के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जान लेते हैं फैसल शाही से। फैसल शाही बताएगा क्या समाअत हुई इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज कौसर अब्बास जैदी ने वजीर इतलास खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। वारंट जो मुसलसल अदम हाजिरी पर जो है वो जारी किए गए हैं। अदालत का शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। पीटीआई के 26 कारकुनों के नाकाबले जमानत जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर और शफकत महमूद की हाजिरी से इस तरह की जो दरखास्त है वो भी उन्होंने दायर कर रखी है और उस पर आज समाअत और बहस ना हो सकी। अदालत ने आज हाजिरी से इस तरह की जो दरखास्त थी वो मंजूर कर लिया और समाअत 28 मार्च तक मुलतवी की गई है। जो शौकत यूसुफजई हैं उनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जज हैं इंसदादे दहशतगर्दी के कौसर अब्बास जैदी उन्होंने आज जारी कर दिए हैं। ठीक, फैसल साहब बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।